बुरहानपुर जिले में आलमगंज स्थित हनुमान साइजिंग में शुक्रवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग अपने अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए घर छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी बीच बताया जा रहा है कि आलमगंज स्थित हनुमान साइजिंग में हर साल आग लगने की घटना सामने आती है, साथ ही प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान बताकर फैक्ट्री मालिक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से राशि की वसूली जाती है। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से फैक्ट्री हटाने की शिकायत भी की गई है, शिकायत के बाद भी फैक्ट्री नहीं हटाई जा रही है, आखिर प्रशासन मौन क्यों है। वहीं वार्ड पार्षद ने भी आवाज उठाते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। पार्षद का कहना है कि अगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल की जाएगी। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये दूसरी बार घटना अभी हमारे सामने हो चुकी है और हर बार घटना ये लोग जानबूझ के करवाते हैं, क्लेम के लिए करवाते हैं, हर बार क्लेम लगाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हैं और ये लोग खुद ही फिर घटना घटवाते हैं। और ये हम लोग बहुत परेशान होते हैं इस गली में, जितने भी लोग घर हैं सभी घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर त्यौहार के समय पर हम लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है और बहुत मतलब घरों में नुकसान सभी चीज़ों से। हम सिलेंडर ले लेके भाग रहे हैं, लाइटें बंद कर रहे हैं, त्यौहार के टाइम पर हम किन किन चीज़ों का वो करेंगे। अब हमारी सभी की मतलब पूरे आलमगंज की सभी की यही समस्या है कि इस साइजिंग को बंद करवाना है। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि यह आग पिछले 10 वर्षों में तीसरी बार लग चुकी है। इससे पहले कुछ वर्षों में इससे पहले लगी थी और इससे पहले अब 7 महीने पहले भी पूर्व इससे आग लग चुकी थी और अब भी लग चुकी है। 13 जुलाई के बाद आज कल दीपावली के अवसर पर पूरा फिर से ये आग लग चुकी है और ये आग इतनी भयंकर थी कि आजू बाजू के जितने भी यहाँ पर रहवासी मकान थे इसको सबको उसकी चपेट में आने वाले थे। और जिस प्रकार से प्रशासन ने ये आग बुझाई उसके बाद जो धुआं उठा उससे पूरा आसपास के मोहल्ले के अंदर पूरे मोहल्ले में धुआं आ गया था। और ये घटना केवल इसलिए हो रही है कि ये रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री है। इससे पहले भी हम इस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए सभी मोहल्लेवासियों ने आवेदन दे चुके हैं, प्रशासन को इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। कल को किसी जान माल की हानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। लगभग एक वर्ष पहले भी मतलब इसी प्रकार की यहाँ पर अग्निकांड हुआ था, वो भी मोहल्ले में पूरे परिवार के लोगों में दहशत का माहौल था और वो भी मतलब उससे पहले 2 महीने उससे निजात और उसके बाद जैसे मतलब हम लोगों ने शिकायत की इसकी, कलेक्टर महोदय से मिले, कलेक्टर महोदय को मैं खुद वहाँ से बुला के लाया था, यहाँ पर मोहल्ले में निरीक्षण करवाया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस फैक्ट्री को भी यहाँ से आप ट्रांसफ़र करवा देंगे और उसके बाद ये NOC वगैरह दिखा के गवर्नमेंट नियम बता के फिर से ये चालू कर दिए। और फिर अभी वही वर्तमान में वही सीन फिर आया कि मोहल्ले वाले रात भर जगे हैं और इतने परेशान हुए हैं कि मैंने तो कई लेडीज़ों को रोते हुए देखा है। सब बच्चे लेकर रात में मतलब कि 11 बजे भाग रहे थे, किसका परिवार कहाँ था ये पता नहीं था, यहाँ से तो परिवार तो बच्चे सही फरार थे। रात में जो 3-4 बजे करीब जब अग्निकांड थोड़ा कम हुआ उसके बाद यहाँ सब अपना घर खुला छोड़ के बच्चे लेके यहाँ से चले गए थे, जो मतलब कि रात में 3-3:30 बजे आए हैं। ये हर वर्ष ये घटना हो रही है अग्निकांड की, मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसा ये 1.5 साल में 2 बार आग लग चुकी है। और रोहित पोद्दार जो है उस बुरहानपुर जिले में उद्योग जितना भी है क्या उसी के कारखाने में आग लगती है? एक तो वहाँ लगी थी हमारे बाजार में, 2 बार यहाँ लगी 1.5 साल में, कल और जिस दिन बंद रहती है फैक्ट्री वही बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आग लगाता है, सब क्लीन करने का पूरा उसका है। तो कल क्या हुआ, कल दोनों बस्ती के हमारे लोग हैं, दोनों गलियों के जो लोग हैं ये वायरिंग से उनके घरों में आग आ रही थी, लोगों ने वायरिंग काटी चल चल के, सब लोगों को निकाल के दूसरी जगह भिजवाया। बुरहानपुर से एक मामला सामने आया है जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप यहां के क्षेत्रवासियों द्वारा लगाए गए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी फैक्ट्री हटाने की शिकायत की गई है लेकिन शिकायत के बाद भी फैक्ट्री नहीं हटाई जा रही है। हालाँकि ये क्या मामला है, फैक्ट्री में आग, और क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस फैक्ट्री में पिछले कुछ समय में कई बार आग लगी है, साथ ही क्षेत्रवासी का कहना है कि प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान बताकर फैक्ट्री मालिक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से राशि की वसूली की जाती है। कि बुरहानपुर से मामला है जहां फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है।
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग अपने अपने घरों की सुरक्षा को देखते हुए घर छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी बीच बताया जा रहा है कि आलमगंज स्थित हनुमान साइजिंग में हर साल आग लगने की घटना सामने आती है, साथ ही प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान बताकर फैक्ट्री मालिक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से राशि वसूली जाती है। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी फैक्ट्री नहीं हटाई जा रही है, आखिर प्रशासन मौन क्यों है। वहीं वार्ड पार्षद ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। पार्षद का कहना है कि अगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जाएगी। हनुमान साइजिंग ये फैक्ट्री, आपको बता दें फैक्ट्री में आग लगने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, ऐसा कहना है यहाँ के क्षेत्रवासियों का। पिछले कुछ सालों में फैक्ट्री में कई बार आग लगती है और फैक्ट्री मालिक दुर्घटना के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे वसूलता है, यह आरोप क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये बड़ा संगीन मामला है सामने आ रहा है जब फैक्ट्री में बार बार आग लगने का, जिससे रहवासियों की भी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर आग की लपटें बढ़ जाती हैं या आग आसपास के घरों को चपेट में ले लेती है तो ऐसे में कई जान माल की नुकसान भी हो सकता है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या कुछ पूरा मामला है ये फैक्ट्री में, क्षेत्रवासियों का कहना है कि फैक्ट्री में बार बार आग लग जाती है, ये क्या कुछ पूरा मामला है? गोपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ये फैक्ट्री मालिक जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसे वसूलने के लिए, क्या कुछ पूरा मामला है ये? गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?